अनम होम रेमेडी चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि सर्दी का सीज़न चल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, तो आपको पता है सर्दियों में पुराने से पुराने दर्द भी जाग उठते हैं। अगर किसी चोट वगैरह कहीं लगी हो तो उसका दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, किसी किस्म का भी दर्द हो, सर्दियों में खासकर ये उजागर हो जाता है। तो सभी लोग परेशान होते हैं कि इस दर्द से अब कैसे छुटकारा पाया जाए। इसके लिए पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे हर्बे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दर्द है कि चलने ही नहीं देता, उठने बैठने नहीं देता। आज के इस वीडियो में आपके साथ ऐसा ज़बरदस्त तेल जो आप घर में बना सकते हैं, और ये वो तेल है जो आपके दर्द से आपको आराम दिलाएगा। ये वो तेल है जिससे आपकी जो परेशानियां हैं, जोड़ों के दर्द की, खासकर घुटनों के दर्द की, के घुटने भी चढ़ाने पड़ते हैं लेकिन फिर भी अफाका नहीं होता, तो उससे भी ये छुटकारा दिलाएगा। इस तेल को बनाने का तरीका जानना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छी तरह ध्यान से सुनिएगा, इसको बनाइए और जैसे बताया जाए वैसे इस पर अमल कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा कि दवाइयाँ छूट जाएंगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल तो आपको पता है हर घर में ही मौजूद होता है, इजीली अवेलेबल होता है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। आप जितना चाहे इसको बनाकर रख सकते हैं। मैं आपको अंदाज़ा बता देती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप 2 कप ले लीजिए सरसों का तेल। अब इसके अलावा आपको चाहिए 5 से 6 जो लहसुन है उसकी आप कलियाँ ले लें। देसी लहसुन ले लीजिएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी। आप 5 से 6 देसी लहसुन की कलियां ले लें, उन्हें छील लीजिए और उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लें। इसके बाद आपको चाहिए अदरक। अदरक आप ले लें 3 इंच का अदरक का टुकड़ा। ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ का हामिल होता है, इससे आपकी जो इंफ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसमें आराम आएगा। तो आपने अदरक का 3 इंच का टुकड़ा लेकर उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। ये हो गई 2 चीज़ें। अब आपको अगली चीज़ जो चाहिए वो है दालचीनी। आप इसी तरह 1 स्टिक दालचीनी की ले लें, तकरीबन 3 इंच की। 1 चम्मच आपको चाहिए अजवाइन, 1 चम्मच आपको चाहिए मेथी दाना, और आपको 5 से 6 चाहिए लौंग क्लोव्स। ये भी आपके दर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो चीज़ें तेल में शामिल करने वाले हैं ये थोड़ी गर्म तासीर की होती हैं, और ये तेल थोड़ा गर्म होगा तभी तो आपको दर्दों में अफाका होगा। बेहतर है आपने इस तेल को धूप में बैठ के लगाना है, लेकिन अब जैसे कि धूप तो आ ही नहीं रही तो हर किसी के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि धूप में बैठा जाए, ठीक है। तो आपने ऐसा करना है कि आपने रात को सोने से पहले रज़ाई में, कंबल में, कहीं भी ऐसे गर्म जगह पे बैठ के तो आपने इस तेल से अपने उस जगह की जहाँ आपके पेन है मसाज करना है, मालिश करना है, और इस तेल को अच्छी तरह से जज्ब करना है। एक लोहे की कढ़ाई लें, उसमें 2 कप आप सरसों का तेल मिलाएं, उसमें आप ये जो लहसुन अदरक आपने काटा ये मिला लीजिए, आपने दालचीनी का जो पीस लिया, टुकड़ा लिया, वो मिलाएं, 1 चम्मच मेथी दाना उसमें डालें, 1 चम्मच अजवाइन डालें, 5 से 6 क्लोव्स, लेकिन क्लोव्स आपने इसको पकाते हुए नहीं डालने, लौंग आपने बिल्कुल एंड पर मिलाने हैं। ये ध्यान में रखिएगा, सारी चीज़ें मिलाकर लौंग को आप अलहदा रहने दीजिएगा। तो जब हमारा तेल ज़रा अच्छी तरह चूल्हे पे पक जाएगा, जब तेल की ढंगत बदल जाएगी, सारी चीज़ों का असर तेल में आ जाएगा, तो आपने उसमें लौंग शामिल कर देने हैं। लौंग शामिल करने के बाद चूल्हे को बंद करके इसको थोड़ी देर ढक के रख दीजिएगा, तब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसको लगाने से पहले, सर्दी या तो बहुत ठंडा सा जैसे आपको लगेगा लगाते हुए, इसलिए हल्का सा नीम गर्म कर लीजिएगा। नीम गर्म करके आप इसे मसाज करें, और मसाज करने के बाद ऊपर बैंडेज कर लीजिएगा, क्योंकि धूप में बैठ के तो कर नहीं सकते, धूप आजकल नहीं आ रही, तो इसलिए आपने उस जगह पर अच्छी तरह से ऊपर कोई जैसे कपड़ा चढ़ा लेना, मोटा सा कपड़ा, ताकि उसमें गर्माइश रहे। अगले दिन आप उसको उतार लीजिए, रात को अगर आप चढ़ा के सोते हो सुबह उतार लीजिए, देखिएगा आपको आपके दर्द में काफ़ी हद तक अफाका नज़र आएगा। इसका मुसलसल इस्तेमाल आपको दर्दों से छुटकारा दिलाएगा, और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है कि ठंड में आपने इसको, मतलब कि खुली जगह पर आपने इसको नहीं लगाना, इसको ज़रा गर्माइश में बैठ के लगाना है, ठीक है। इसको यूज़ करें और अपना एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि आपने इस तेल को पकाने के बाद छान लेना है, छानने के बाद इसको इस्तेमाल कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को विज़िट करें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।